दीवार पे लगाम रखो अपनी। हमारे न्याय प्रिय राजा की तुलना अन्याय कंठ से ना करें, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, किंतु आरोप सिद्ध होने के बाद। अपराध तो सिद्ध हो चुका है महाराज, अपराधी ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया है, विलंब कैसा? अक्रूर जी महाराज, राज्य संविधान में इस प्रकार के अपराध का क्या दंड विधान है? महाराज, संविधान के अनुसार आरोप सिद्ध हो जाने के बाद अपराधी को वैसा ही दंड दिया जाए जैसा उसने अपराध किया है, उसे वैसी ही पीड़ा दी जाए जैसा आरोप लगाने वाला भोग रहा है। यदि राज्य का यही विधान है तो देवकी के पुत्रों को भी मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि इनको भी पता चले कि पुत्र विद्रोह का दुख क्या होता है। अरे बावरी हो गई है क्या? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। क्या तुम ये जानती हो, देवकी ने कंस के अत्याचारों के कारण अपने 6 पुत्र खोए थे। देवकी ने जो कष्ट भोगे हैं, संसार में कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। महाराज, वो भाई बहन का झगड़ा था, परिवार का विषय था, परंतु मैं आपके परिवार में नहीं आती, मैं आपकी प्रजा हूँ और आपसे न्याय की आस रखती हूँ। और यदि मुझे न्याय ना मिला तो मैं अग्नि की चिता सजाकर आत्मदाह कर लूंगी। कृष्ण और बलराम को बंदी बना लिया जाए। और सूर्यास्त से पहले दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। जी महाराज। नहीं, काना, तुमने तो कहा था ना कि जीवन का एक हत्या समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ हो जाता है, तो क्या ये हमारे जीवन का अंतिम अध्याय है? बताओ नियति के ये सत्य को मैं नहीं जानता। मैं तो केवल एक सत्य जानता हूं कि जहां जिस बंदी गृह में मेरा जन्म हुआ था, नियति वापस मुझे वहीं ले आई। जानते तो तुम सब कुछ हो, तुम तो ये भी जानते थे कि माखन में विष है, फिर भी तुमने बच्चों में बांटने से मैया को रोका नहीं। क्यों? मथुर आकर क्या तुम्हें भी अत्याचारी कंस का प्रभाव आ गया है? इसीलिए तुमने उन बच्चों को विषैला माखन खाकर मर जाने दिया है। रोष ना कीजिए दाऊ, संसार में नियति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, संभवतः नियति यही चाहती होगी। यदि नियति का यही खेल है तो मैं वासुदेव पुत्र बलराम ये घोषणा करता हूं कि मैं नियति को ही पलट डालूंगा, नियति को ही। यदि आपकी यही इच्छा है दाऊ, तो मैं आपका अनुज वासुदेव पुत्र कृष्ण स्वयं नियति को पलट देता। परंतु क्या खाना? परंतु नियति को ही पलट दूंगा तो उसके बाद न्याय का क्या होगा था, नानाश्री की मर्यादा का क्या होगा था, जनमानस नानाश्री पे पक्षपात का आरोप नहीं लगाएंगे, फिर नानाश्री और कंसवामा में अंतर क्या रह जाएगा दाऊ? लोक कल्याण का व्रत करने वाले को व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ता है दाऊ। महत्वपूर्ण है अपने जीवन को समाज के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करना। ये मृत्यु लोक है दाऊ, यहां जो आया है एक दिन उसे अवश्य जाना ही होगा, तो वो आज हो या कल, क्या अंतर है दाऊ? फिर भी आप कहते हैं तो मैं नियति को नहीं, नहीं काना, नियति को पलटने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो कह रहे हो वो सत्य है,
कैसी अभागन हूं मैं, नहीं मुझे मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं। देवकी, नहीं देवकी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ना ही अन्य किसी का, ये तो विधि का विधान है। ये कैसा विधि का विधान है? जन्म के इतने वर्षों पश्चात मैं अपने लल्ला से मिली, उसकी खुशियों का कारण बनने के बदले मैं उसकी मृत्यु का कारण बन रही हूँ। धैर्य रखो देवकी, संयम से काम लो। नहीं, संयम अब मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपने आप को मिटा दूंगी, मुझे मुझे नहीं जीना है। देवकी, ऐसा करके तुम अनर्थ कर रही हो, अंतिम परिणाम आने से पहले अधीर होना उचित नहीं होता। ठीक है, तो मेरे लल्ला और बलराम के दंड के बाद उसी समय उसी स्थान पर मैं आत्मदाह कर लूंगी। जब मेरी गोद ही सुनी रह जाएगी तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी, नहीं जीना मुझे। ताजरी, मेरे कृष्ण बलराम की रक्षा कीजिए। ताजरी, मैंने उनके बिना अपने जीवन में बहुत दुख पाए हैं। ताजरी, मुझे मुझे अपने बच्चों का जीवन दान दे दीजिए। ताजरी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ताजरी, मेरे पुत्रों का जीवन दान दे दीजिए मुझे। ताजरी, मुझे भीख दे दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ताजरी, देवकी, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं अपने प्राण देकर श्री कृष्ण और बलराम को बचा पाता। इससे तो ये उत्तम होता कि कंस ने मुझे कारागृह में मार डाला होता, आज मुझे एक काला दिन न देखना पड़ता। देवकी, मैं अपने तारणहार श्री कृष्ण और बलराम को कैसे बचाऊं? अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नहीं ताजरी, जब तक कृष्ण और बलराम की मैया जीवित है तब तक उनका बाहर भी कोई बाका नहीं कर सकता। उन तक पहुंचने से पहले आपको और आपके न्याय को देवकी के शव को लांगना। ऐसा मत कहो, जीवित रहना नहीं चाहती, मैं आत्मदाह कर लूंगी। ऐसा फिर कभी नहीं कहना मैया, आपको मेरी सौगंध। ठीक है, सौगंध देकर तुमने मुझे रोक तो लिया, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आज्ञा कीजिए मैया। इस न्याय के विरुद्ध तुम्हें विद्रोह करना होगा। परंतु ये तो राजद्रोह होगा। राजद्रोह हो या कुलद्रोह, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं किसी भी स्थिति में तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। मैया, मेरा विद्रोह नाना श्री के न्याय पे प्रश्न चिन्ह लगा देगा, जो उचित नहीं है। हाँ मैया, जीवन तो आनी जानी, आज है और कल का पता नहीं, परंतु जीवन का संदेश समाज और कुल को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ देवकी, बलराम और कृष्ण सही कह रहे हैं। राजधर्म के अनुसार आरोपी से उसकी अंतिम इच्छा पूछना अनिवार्य होता है। बलराम, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
महाराज अब समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, अपना न्याय सफल कीजिए। यह भी न्याय का ही एक अनिवार्य अंग है देवी, जिससे मरने वाले की आत्मा अतृप्त ना रह जाए। मृत्यु दंड से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा कृष्ण? हाँ महाराज, अभी सूर्य अस्त में आधी घड़ी शेष है, इस आधी घड़ी में मैं एकांतवास और ध्यान साधना करना चाहता हूँ। अक्रूर जी, अभियुक्त की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। जी महाराज। महाराज ये इसकी चाल भी हो सकती है, एकांत और ध्यान साधना के नाम पर ये भागना चाहता है। यदि ये भाग गया तो मेरे न्याय का क्या होगा? तो इसके स्थान पर मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। मैं अपने पुत्रों के जीवन की भीख मांगती हूँ तुमसे। मुझ दुखियारी अभागन भरी दे दया करो, इस माँ की व्यथा पर दया करो। मेरे बच्चों के प्राण लेते पल तुम्हें दया आई थी, जो मुझे आएगी तुम्हारे बच्चों पर? तुम्हारे रोने बिलखने से मेरी छाती पिघलने वाली नहीं है, सुना तुमने? जानती हो, यदि एक अपराधी को उसके अपराध का दंड ना दिया जाए तो वो उस अपराध को अपना अधिकार समझ बैठता है। आज तो तुमने मेरे बच्चों के प्राण लिए, कल न जाने कितने बच्चों के जीवन को तुम नरक बना दोगी। ग्रहण बन जाओगी। तारण हास श्री कृष्ण के जय। 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 नहीं नहीं, हम अपने तारणहार को दंडित नहीं होने देंगे। यदि इनका दंड वापस नहीं लिया जा सकता तो हमें भी संग संग मृत्यु दंड दीजिए। ये स्वर अनुचित है मथुरा वासियों, कोई भी राज्य संविधान से चलता है ना कि भावनाओं से। यदि न्याय और संविधान का आदर ना किया जाए तो राज्य का विनाश हो जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पुण्य नगरी का विनाश हो जाए? नहीं श्री कृष्ण, हम विनाश तो नहीं चाहते, किंतु हम आपको खोना भी नहीं चाहते। आप हमारे बीच में से चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा तारणहार? तुम स्वयं करोगे अपनी रक्षा, अपने भीतर मुझ जैसे कृष्ण को जन्म देकर, जो अन्याय अनाचार अत्याचार और धर्म के विरुद्ध लड़ेगा, जो निर्भय होकर धर्म के पथ पर चलेगा। अब राज्य और संविधान का आदर करो। सूर्यास्त होने वाला है, यदि सचमुच उससे प्रेम करते हो तो शांत रहकर मुझे उसका प्रमाण दे दो। मेरे दोनों नातियों को मुक्त किया जाए। तारण हास श्री कृष्ण के जय। 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 तारण हास श्री कृष्ण।
कृष्ण की जय। तारणहार श्री 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 कृष्ण की क्योंकि जय। तुम्हारे साहस पराक्रम और चतुराई की प्रशंसा करनी होगी कृत्य। दुष्टा, तू फिर यहां आ गई। सरिगो, बंदी बनाओ इसे। मैं तो यहां अपने बच्चों की भूख का प्रबंध करने आई थी। उस दिन जब राज्यसभा में असफल होने के बाद सम्राट जरासंध ने मुझे देश निकाला दे दिया, तो भूख से बिलखते अपने बच्चों को यहां मथुरा लेकर आ गई। तुम झूठ बोल रही हो कृत्या, अभी भी छल कर रही। तुम मेरे प्राण लेने के लिए नागिन बन के यहाँ आई। मैया के बनाए माखन में तुमने ही विष मिलाया है। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है कृत्या, और बाबा ने जो माखन बच्चों को दिया उसमें तो विष था ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा जाते जाते मैंने मैया की बात सुन ली थी और माखन का पात्र बदलकर विषैले माखन को नष्ट कर दिया था। खाना, तो फिर इसके बच्चे मरे कैसे? दाऊ, जो बच्चे मरे वो इसके थे ही नहीं। इसने इन बच्चों का अपहरण किया और इनकी हत्या कर दी। देव योग से इसका प्रहार ध्वस्त हो गया और मृत बच्चे जी उठे। शायद इसलिए कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसे अभी के अभी मृत्युदंड दिया जाए। जी महाराज। काना। हाँ दाऊ। एक बात है जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। वो क्या दाऊ? जब वो बच्चे मर ही गए थे तो फिर वापस जीवित कैसे हो गए? काल के नियम के विपरीत ऐसी घटना कैसे घटित हो गई? बताता हूँ दाऊ, जब मैं एकांत में ध्यान साधने गया था उस समय कुछ मृत बच्चों के जीवन रक्षा के लिए यमराज का आह्वान किया था दाऊ। प्रणाम प्रभु। आज्ञा प्रभु। यमदेव, आप उस स्त्री के दोनों बच्चों को जीवित कर दे। यह असंभव है प्रभु, आगे बढ़ चुका काल कभी पीछे नहीं लौटता। किंतु यमदेव, बालक मार्कंडेय भी तो अल्पायु ही था ना, जब महारुद्र के रौद्र से भयभीत होकर आपने उसे अजर अमर कर दिया था। क्षमा करें प्रभु, वो जो एक बार हो चुका बार बार नहीं हो सकता। आप में सामर्थ्य है यमदेव, आप कर सकते हैं, यह आवश्यक है। काल अपनी नियति से बंधा है प्रभु, और काल की नियति को पलटना काल का अपमान होगा। आपको आपके मान सम्मान की चिंता है, उन बच्चों के जीवन की चिंता नहीं, मेरे प्रार्थना की चिंता नहीं। तो ठीक है, आज मैं काल का ही काल बन जाता हूँ। क्षमा क्षमा कीजिए प्रभु, आप नारायण हैं, आप जो आदेश करो। किंतु प्रभु, वो बच्चे उस स्त्री के नहीं थे। वो दोनों बच्चे मथुरा गांव के हैं, और उस स्त्री ने उन बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या की है। वो निर्मम छलिया स्त्री है और कोई नहीं, जरासंध की प्रतिशोध की प्रतिनिधि कृत्या है। कृत्या? हाँ प्रभु, वो दोनों बच्चे अल्पायु होने के बाद भी आपकी कृपा पाकर दीर्घायु हो जाएंगे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है यमदेव, अब आपको मेरा एक गुप्त कार्य करना होगा। आदेश करें प्रभु। मैं आपको संकेत दूंगा यमदेव, मेरा संकेत मिलते ही आप उन दोनों बच्चों को जीवित कर दीजिएगा। ऐसा ही होगा प्रभु।
काना, तुम्हारी लीला मुझे समझ में नहीं आती। अब क्या लीला कर दी मैंने दाऊ? यमराज को बुलाकर धरा धमका दिया और कृत्या जैसी दुष्टा कुकृत्या करने वाली को भाग जाने दिया। ये लीला नहीं है तो और क्या है? दाऊ, संभव है कि उसके पापों का घड़ा अभी भरा नहीं होगा, अथवा उसके जीवन के कुछ अध्याय अभी शेष होंगे। दाऊ, पता नहीं। पता क्यों नहीं है दाऊ? यही तो जीवन का सत्य है। देखेगा, जिस दिन उसका अध्याय समाप्त होगा, उस दिन जरासंध की कोई शक्ति, कोई तंत्र, कोई मंत्र काल से उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा।